की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं, बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं, गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं, शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को उस तिथि के दिन उस अनुकूल, हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए, भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो, एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ, आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ, अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा, किसी स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना नहीं है, बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में